उन्नाव में एक नवविवाहिता युवती की संदिग्ध हालत में मौत के बाद परिवार वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। रविवार रात युवती का शव ससुराल में पड़ा मिला। मृत युवती के भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या के आरोप लगाए हैं। सुल्तानपुर जिले के जूटूपुर की निवासी इस युवती की शादी करीब 6 महीने पहले ही उन्नाव के एक परिवार में हुई थी। दहेज में तमाम कीमती सामान देने के बावजूद ससुराल पक्ष के लोग उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। मेरी सिस्टर को ये लोग पहले से दहेज की उत्पीड़न में प्रताड़ित करते थे, उसको परेशान करते थे। उसको बोला जाता था कि आपके परिवार ने हमको ये नहीं दिया, ये चीज़ें नहीं उपलब्ध कराई, ये चीज़ें नहीं उपलब्ध कराई। उसके बाद उनकी मांगें बढ़ती जा रही थी। हम लोग कोशिश भी कर रहे थे कि ठीक है हम पूरा कर देंगे, लेकिन उसके बाद कल की डेट में सुबह में सिस्टर ने हमारी बड़ी बहन के पास फ़ोन किया और वो फ़ोन करके रोने लगी। तो हमने उन पूछा कि भैया क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बताया कि मेरी सास ने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम मेरे मन लायक नहीं हो। तो इन्होंने भी बोल दिया कि जो है मैं तो आपके मन लायक नहीं, तो आप दूसरी समझ लीजिए। उसके बाद से ना मेरी सिस्टर की ना हमारे घर वालों की कोई बात नहीं हुई। और ये बता रहे हैं इनके ससुराल वाले कि 3 बजे के आसपास इनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन 9:45 तक हमको रात में सूचित नहीं किया गया। 9:45 पर हमारे पास फ़ोन किया गया कि प्रीति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसमें भी ये नहीं बताया गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है।